हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी एंड बैक अगेन विद अनदर हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंको बिलोबा के बारे में। हाँ, सही सुना आपने, जिंको बिलोबा के बारे में। कई लोग शायद इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे और मुझे भी कुछ दिन पहले इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला है। जेनिथ नाम की कंपनी है जो इसे मैन्युफैक्चर करती है। वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं बट जेनिथ की तरफ से मेरे को कुछ सैंपल्स आए हैं, करीब 3 से 4 प्रोडक्ट्स उनकी तरफ से आए हैं रिव्यू करने के लिए। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, बेसिकली उन्होंने मुझे दिया था यूज़ करने के लिए कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने व्यूवर्स को बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं या इसे यूज़ कैसे करें, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंको बिलोबा के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिंको बिलोबा जो है एक तरह का पेड़ है जिसकी पत्तियों का आकार जो होता है, जो शेप होता है उनका, फ़ैन की तरह होता है। इसकी पत्तियों से, इसके सीड से, इसके छाल से ये बहुत बेनिफिशियल होती है। इन सब का एक्सट्रैक्ट लेके या इनकी छाल से बहुत सारे तरह के मेडिसिंस बनाए जाते हैं। और इसका यूज़ होता था चाइनीज़ मेडिकल साइंस में, इसका यूज़ काफ़ी होता था। से हज़ारों साल पहले चाइनीज़ मेडिकल साइंस इसका यूज़ करता था। अभी USA, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसका यूज़ कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं जिंको बिलोबा कब लेना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं इसके। तो जिंको बिलोबा का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही करते हैं। यानी अगर आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए मैं एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, ब्लड सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है। हम कुछ भी खाते हैं खाने में तो बॉडी आपकी नहीं समझती आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो या क्या खा रहे हो। जो बॉडी चीज़ों को समझती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि आप उसको प्रोटीन कितना मिल रहा है बॉडी को, बॉडी को कार्ब्स कितना मिल रहा है, उसको फैट कितना मिल रहा है, ऑल ओवर कितनी कैलोरीज मिल रही है, ये बॉडी आपकी समझती है। तो आपकी बॉडी डेफिनेटली जो भी चीज़ें सर्कुलेट करती है बॉडी में, जो भी बॉडी में चीज़ों को पहुंचाती है, वो पहुंचाती है आपके ब्लड के थ्रू। यानी आपका जो ब्लड फ्लो जाता है वो न्यूट्रिशन को लेके जाता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में। लाइक आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाता है, आपके लेग्स तक वो पहुंचाता है ब्लड, आपके ब्रेन तक वो ब्लड पहुंचाता है और साथ ही साथ उसके न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स का बढ़ना या उसका प्रॉपर तरीके से काम करना डिपेंड करता है उसके न्यूट्रिशन पे, उसे न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है। और ये न्यूट्रिशन तभी उसे प्रॉपर मात्रा में मिलेगा जब आपका ब्लड सही क्वांटिटी में वहाँ तक पहुँचेगा, सही फ्लो में वहाँ तक पहुँचेगा, जब ज़रूरत हो रही तो पहुँचेगा। तो जिंको बिलोबा का काम वही होता है बेसिकली। सबसे मोटी मोटा अगर समझ लें तो जिंको बिलोबा का आपका काम है ब्लड सर्कुलेशन को सही करना। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो आपको किसी भी तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी। जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाएगी। प्लस जो जिम जाते हैं या जो वर्कआउट करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको वैस्कुलैरिटी नहीं मिलती है। डेफिनेटली वो डिपेंड करती है आपके फैट परसेंटेज पे। अगर आपका फैट परसेंटेज 20-25-30 है तो उस केस में आपकी बस क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आप सभी को पता है जो आपकी लेयर्स है, जो आपकी फैट की लेयर है उसके अंदर आपके जो वेंस हैं वो उसके अंदर कहीं छुपी हैं, इसलिए वैस्कुलैरिटी आपकी नज़र नहीं आ रही। आपको फैट परसेंटेज ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि आपका जो भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितनी अच्छे से हो रहा है, कितने प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उस पर भी आपकी वैस्कुलैरिटी डिपेंड करती है। सो उस केस में भी जिंको बिलोबा आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की आई डिजीज़ है या आप डायबिटिक हो या आपका लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, गठिया की लोगों में समस्या होती है, तो इन सारी चीज़ों से आपका जिंको बिलोबा आपको उन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो आपका सही करता है। सो ये बातें हो गई जिंको बिलोबा के बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं डोज़ कितनी लेनी है। तो ये वेरी करता है, लाइक स्टार्ट होता है 120 mg से और ये जाता है करीब करीब 240 mg तक जाता है। अब डिपेंड करता है आपको कितना लेना है। लाइक अगर इसकी बात करें तो इसकी मैं करीब 3 tablets मैं लेता था, और इसमें 3 tablets में मैंने डिवाइड किया था। एक ब्रेकफास्ट के बाद लेता था, एक शाम में लेता था और आखिरी जो लेता था वो डिनर के बाद लेता था। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया हुआ था और उसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। वैस्कुलैरिटी में मेरे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि बॉडी बिल्डिंग या आपकी जो भी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं। कोई भी चेंज होने में ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी मुझे फ़र्क दिखा, मेरे स्ट्रेंथ में मुझे चेंजेस दिखे हैं। मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ी है इसे लेने के बाद, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट यहाँ मैं 10 reps करता था, वहाँ 11-12 तक हो जाता है सेम वेट पे। सो स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर बॉडी में जाएगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। सो ये बातें हो गई जिंको बिलोबा के बारे में कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आप
आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या आपकी ऑलरेडी कोई दवा चल रही है हार्ट से रिलेटेड या डायबिटीज़ की या आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपको क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो डोज़ क्या होनी चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, रीज़न भी आप पूछ लेना। सो ये सारी बातें हो गई जिंको बिलोबा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में से शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसे परचेज़ करना तो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, या इसकी अपनी खुद की साइट है जेनिथ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।